कर रही है, जिसके तहत अमृत काल में भी जो बजट पेश किया जाता है उसमें जो अल्पसंख्यकों का बजट है उसमें 38% की कटौती की जाती है, और फिर कहा जाता है कि हम सबका साथ सबका विकास का दावा कर रहे हैं। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का दावा है? मदरसों के जो शिक्षक हैं उनका कई कई साल से उनको वेतन नहीं दिया गया है। हमारे पास उनके फोन आते हैं, कहते हैं कि हमारी बात सदन में उठाइए, हम भूखों मर रहे हैं, हमारे घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। हम जब उनकी बात यहाँ करें तो विरोध, लेकिन बातें क्या हैं? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। एक नारा सुनाई पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? मैं सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि यहाँ सत्र चल रहा है उपसभापति महोदय, और इसी संसद से महज 800 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर खड़े होकर के कार्यक्रम आयोजित होता है अभी 4 दिन पहले, और एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर के सीधे आह्वान करता है कि ईसाइयों और मुसलमानों को काटना कब शुरू करोगे, सीधे आह्वान करता है। और सभापति उपसभापति महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा जो मीडिया उसको दिखाने का प्रयास करती है उनको नोटिस भेजा जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? यह हम बहुत गंभीर लोग यहाँ बैठे, मैं उच्च सदन में बैठा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के कहना चाहता हूँ ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? इसी दिल्ली में एक सांसद पाए जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कार्यक्रमों में सार्वजनिक मंचों पे खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कैसे होगा सबका साथ सबका विकास जब सत्ताधारी पार्टी के सांसद आर्थिक बहिष्कार की अपील करेंगे और उनके खिलाफ एक मामला तक दर्ज नहीं होता। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन अफसोस है कि जब राजनीतिक तौर पर विकास करने की बात आती है तो लोकसभा में एक भी टिकट यह सत्ताधारी दल किसी मुसलमान को नहीं देता, राज्यसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता, विधानसभा में जो बड़े बड़े प्रदेश है उसमें एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देता। और वो तीन जो नाम के लोग थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एम जे अकबर साहब, सैयद जफर इस्लाम, उनको भी किनारे लगा दिया जाता है। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? काहे का सबका साथ सबका विकास? ये नारा ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं, जब 3 तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा। मैं तो सभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहां सदन में खड़ा हूं तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की लाल किले की प्राचीर से वो भाषण उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता, जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे तो उस भाषण के महज 2.5-3 घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे, उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है उपसभापति महोदय? मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो फिल्मी स्टार जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कारपेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं? कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोदय? मेरा नाम इमरान है, मैं उस पीड़ा को महसूस करता हूं जिस पीड़ा का जिक्र अभी मनोज झा जी कर रहे थे, मैं उस पीड़ा से गुजरता हूं, इसलिए मैं आपसे यहां खड़ा होकर कहता हूं कि हम हर दिन सुनते हैं कई सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है,
आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। हम उसको किसी को हर दिन उसका सबूत नहीं देते फिरेंगे। ऐसे में अगर ये बिल मांग करता है कि मुसलमानों के शैक्षिक और उनके सामाजिक उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकार उस पर ध्यान दे, तो फिर तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? क्या आपका जो नारा है वो झूठा है? क्या सबका साथ सबका विकास का नारा सिर्फ खोखला है? बजट से तो यही जाहिर होता है, आप लगातार घटाते जा रहे हैं बजट, आप लगातार कटौती करते जा रहे हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी दावा करते थे सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कि 2022 में हर व्यक्ति के छत पर घर पर सर पर छत होगी। यह प्रधानमंत्री जी का उद्धृत किया गया बयान है। लेकिन मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूं, आप असम उठा के देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए, एक दैत्याकार बुलडोजर है जो चारों तरफ घूम रहा है और जिनके सरों पर छत है भी उन छतों को भी छीन लेना चाहता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इसे देखते नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार के जिम्मेदार नेता इसे देखते नहीं है कि वो बुलडोजर सिर्फ लोगों का घर नहीं कुचल रहा है, संविधान को कुचल रहा है, लोकतंत्र को कुचल रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की वो का स्टेटमेंट सुनिए आप, पटना के एक जज साहब का स्टेटमेंट सुनिए आप, फिर अदालतों का क्या काम रह जाता है? ऐसे में सबका साथ सबका विकास कैसे माना जाए? उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं भी जब कोई अल्पसंख्यक सफल होता है, किसी उच्च पद पर पहुंचता है, तो हम सारे लोग हमारे तमाम साथी खुश होते हैं। ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में जश्न मनाया जाता है, मुझे खुशी होती है। आप दुनिया के किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यक अगर सफल होता है तो आप खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, लेकिन अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस किस तरह के नारे इसी दिल्ली और उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, क्या वो हम नहीं सुनते हैं? और अगर सुनते हैं, और अगर पाकिस्तान आपके लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे ज्यादा देशभक्त हूँ मैं भारत का इमरान हूँ, मैं भारत का इमरान हूँ। महोदय मुझे बोलने दें, बाहर भी नहीं बोलने देंगे, यहाँ भी नहीं बोलने देंगे, ये कौन सी प्रवृत्ति है? उपसभापति महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो साझी विरासत, अभी आदरणीय हमारे साथी राकेश सिन्हा जी बात कर रहे थे कि साझी विरासत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटना नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय जरा सोशल मीडिया पे तो बहुत एक्टिव रहते हैं, रोज चैनलों पर भी बैठते हैं, चैनलों पे होने वाली डिबेट का स्तर देखिए, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार रत्ती भर भी कोई कदम उठाना चाहती है? नहीं उठाना चाहती, बढ़ावा देती है। ये जो जहरीली बातें करने वाले चैनल हैं उनके जो प्रमुख एंकर हैं उनको सुरक्षाएं दी जाती हैं, उनको रोका नहीं जाता। कौन सा सबका साथ सबका विकास है ये बिल जिस चीज की बात कर रहा है? अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा तिरंगा यात्रा निकालिए, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने कठुआ के बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए कभी नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी निकली, लेकिन किसी ने रोका नहीं, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। उपसभापति महोदय, दर्द बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो रेजोल्यूशन लेकर के आए हैं उसमें जो शैक्षिक और आर्थिक बातों को उद्धृत किया गया है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कैसे देखा जाए, इसे जांचा जाए। गीता जी कह रही थी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे कि भारत टूटा कहां है? भारत टूटा नहीं है, भारत को कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। भारत को तोड़ने का सपना देखने वालों को हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, बांट दिया था, भारत को कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन भारत देश में आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर जो बंटवारा करने की साजिश मौजूदा सरकार और सरकार के आनुषांगिक संगठन कर रहे हैं, जो आनुषांगिक संगठन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं उपसभापति महोदय के यूपीए के शासनकाल के दौरान श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के प्रयास से दलित और अल्पसंख्यक बच्चों के लिए फ्री रेजिडेंशियल यूपीएससी की कोचिंग शुरू की गई। हमने ये किया और इसी सरकार के दौरान एक टीवी चैनल ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम आपको पता है क्या रखा? यूपीएससी जिहाद। ये शब्द क्या इस देश में सुने जाने लायक है? लेकिन सरकार ने क्या किया? एक शब्द नहीं बोला। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, जब लोग उच्चतम न्यायालय गए तब वो कार्यक्रम रुक सका। ऐसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। उपसभापति महोदय, मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये जो आर्थिक और सामाजिक
आधार पर जो बहुत बड़ी खाई है उसको पाटने के लिए ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। तमाम वो शहर जहां अपना छोटा छोटा रोजगार है जिनका, जैसे मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग, या देश में जो तमाम शहरों में बुनकर उद्योग है, इस सब की बढ़ोतरी के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, इन्हें संजोने के लिए ये बिल बहुत कारगर रहेगा। शैक्षिक तौर पर लोगों को आगे लाने के लिए बहुत कारगर रहेगा। तो मैं रेजोल्यूशन बहुत कारगर रहेगा। और मैं अपने सत्ता पक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस रेजोल्यूशन को संजीदगी से लिया जाए। मैं इसके समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। धन्यवाद।